जादुई पत्थर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। उसका सपना था एक दिन अपने गांव को अमीर और खुशहाल बनाना। एक दिन जब वह जंगल में खेल रहा था, उसने एक चमकते हुए पत्थर को धुंधली रोशनी में देखा और बोला, वाह, यह कैसा पत्थर है। जब वह उस पत्थर को उठाने गया तो वह अचानक उसके हाथ में आ गया और चमकने लगा। पत्थर ने कहा, मैं हूँ एक जादुई पत्थर, मुझसे जो भी चीज चाहिए वह तुरंत मिल जाएगी। रोहन ने सोचा, क्या ये सच बोल रही है, चलो इससे कुछ मांग कर देखता हूँ कि ये पत्थर काम करती भी है या नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे लिए एक बॉल ला कर दो। जो हुकुम मेरे मालिक, अभी देती हूँ। रोहन को खुशी हुई और वह सोचने लगा कैसे इस जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके अपने गांव को खुशहाल बनाए। रोहन ने सबसे पहले अपने गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें बताया, मुझे एक जादुई पत्थर मिला है जो हम लोगों की मदद कर सकता है। दोस्तों, अब हम सब मिलकर अपने गांव को अमीर और खुशहाल बना सकते हैं। तभी मीना बोली, पर रोहन, क्या यह सही है? क्या हमें इतनी आसानी से अमीर होना चाहिए? तभी अमित ने कहा, हाँ रोहन, मीना सही कह रही है, कुछ चीजें मेहनत और लगन से ही मिलती हैं। पर रोहन के मन में सिर्फ एक ही बात थी, अपने गांव को अमीर बनाने की। तभी रोहन ने बोला, मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है, पर अब हमें जादुई पत्थर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या पता ऊपर वाले की यही मर्जी हो। आप सब लोग एक बार सोच कर देखिए और हम लोगों की स्थिति भी देख लीजिए कि हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। आप लोग अगर राजी होंगे तो ही मैं इस जादुई पत्थर का इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो मुझे जहां से यह पत्थर मिला है वहां वापस रखाऊंगा। सभी लोग रोहन की बात मान गए और सब मिलकर जादुई पत्थर का इस्तेमाल करने लगे। हे जादुई पत्थर, इस झोपड़ी को एक बड़े से घर में बदल दो। जो हुकुम मेरे मालिक, अभी कर देती हूँ। हे जादुई पत्थर, अब पैसों की बरसात कर दो। जो हुकुम मेरे मालिक, अभी कर देती हूँ। पर धीरे धीरे उनका काम मेहनत की जगह जादुई पत्थर पर डिपेंड होने लगा। ये सब देखकर मीना ने रोहन से कहा, यह गलत है, हमारा काम मेहनत से होना चाहिए, जादुई पत्थर पर डिपेंड नहीं। देखो, सब लोग मेहनत की जगह जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके बिल्कुल आलसी बनते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब लोग बीमार पड़ सकते हैं, हमें ये सब अब रोकना होगा। तभी अमित ने भी रोहन से कहा, हाँ रोहन, मीना बिल्कुल सही कह रही है, हमें अपने काम पर लगन और मेहनत से फोकस करना चाहिए और ये जादुई पत्थर का इस्तेमाल जितना जल्दी हो बंद कर देना चाहिए। रोहन ने गलती को समझा और बोला, हाँ दोस्तों, तुम लोग सही कह रहे हो, मैं आज ही इस पत्थर को वापस जंगल में रखाऊंगा। रोहन ने गलती को समझा और उसने जादुई पत्थर को एक अनजान जंगल में वापस छोड़ दिया और अपने गांव वालों से माफी मांगी। मुझे आप सब लोग माफ कर दीजिए, मैं गलती कर गया था जो उस जादुई पत्थर पर निर्भर हो गया था। अब हम सब लोग मिलकर अपने मेहनत और लगन के दम पर अपने गांव को अमीर और खुशहाल बनाएंगे। उनके साथ मिलकर मेहनत और लगन से अपने गांव को अमीर और खुशहाल बनाया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह था कि असली अमीरी मेहनत और लगन से ही मिलती है। जादुई चीजें सिर्फ एक पल की खुशी देती है, पर मेहनत और लगन हमेशा तकदीर बदल देती है। यह था जादुई पत्थर की कहानी, जो हमें सिखाती है कि मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई जादुई चीज मिलेगी तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ।